नमस्कार। आज हमने तय किया है कि हम साहस के बारे में बात करेंगे। साहस इतना जरूरी गुण है जिसके बिना हम अपने जीवन का, अपने प्रगति का, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा सकते। एक छोटा सा बच्चा जैसे ही पहला कदम उठाता है और चल पड़ता है, उसकी आशा, उसकी प्रेरणा साहस बनकर आ जाती है। लेकिन इस बच्चे में जो साहस है वो एक कहना चाहिए अज्ञानता की निर्भीकता है। छोटे बच्चों को आप किसी आग के सामने बैठा दीजिए, वो उसमें भी हाथ डाल देगा। उसकी निर्भीकता है क्योंकि उसे भय पता ही नहीं, वो भय से भी उतना ही अनभिज्ञ है। इसलिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के हिसाब से, स्वाभाविक रूप से वो कदम बढ़ाता है। साहस जिसको कि हम सच्चे रूप में अगर परिभाषित करें तो साहस उसे कहा जाएगा जब हम परिस्थितियों को जानते हैं, उनके परिणाम को जानते हैं और फिर भी निर्भीकता पूर्वक उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे अंदर कोई कंपन नहीं होता, हमारे अंदर कोई भय नहीं होता। हम विश्वास के साथ चलते हैं क्योंकि उस परिस्थिति का सामना करना है, उस चुनौती को स्वीकार करना है, ये हमारे अंदर से एक स्वीकृति होती है। स्वीकृति जब हम लेकर चलते हैं वही साहस कहलाती है। अगर हम उच्चतर जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें अनिवार्य रूप से जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है एक अदम्य साहस, एक पूर्ण निष्ठा और आत्मदान जो इतना सच्चा हो कि मनुष्य ना तो हिसाब लगाए, ना मोल तोल करे, पाने की भावना से न दे। स्वाभाविक है कि साहस के लिए शक्ति बल अनिवार्य है। एक निर्बल व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने का साहस कैसे करेगा? ऐसे में क्या करना है जब हम शक्ति चाहते हैं? हम जानते हैं कि हमारे अंदर कम या अधिक शक्ति है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत शक्ति है, उसकी मात्रा उसके अपनी प्रगति के अनुपात में है। और इसीलिए यह पंक्ति गीत की, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करे। मुझे लगता है इन दो पंक्तियों में साहस के संबंध में काफ़ी जानकारी हमें मिल जाती है अगर हम सूक्ष्मता से इन्हें समझने का प्रयास करें। साहस हमारे अंदर कितना है कितना नहीं, इसको जानने की कोशिश से ज़्यादा अगर हम प्रार्थना कर लेते हैं तो हम पूर्ण विश्वास आस्था के साथ चलते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे हाथ की मांसपेशियाँ चाहे जितनी शक्तिशाली हों, कम हों, अधिक हों, लेकिन हमारे साथ एक परम शक्ति का सहयोग, परम शक्ति की कृपा हमेशा है, तो साहस स्वाभाविक रूप से, आत्मिक रूप से, गहराई के साथ हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में आ जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि हम श्रीमा और श्री अरविंद के योग पथ के पथिक हैं तो हमको पता है कि हमें अपने जीवन का कोई पहलू उपेक्षित नहीं करना है। यह योग रूपांतर का योग है, तो भौतिक जीवन को लेकर चलना है, इसलिए भौतिक स्तर का साहस भी उतना ही जरूरी है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि उच्च स्तरीय साहस का। छोटी से छोटी सी बात, छोटी से छोटी परिस्थितियों का सामना, छोटी या बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करना, हमेशा उसमें साहस की ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति पानी में गिर गया, उसने हाथ पांव मारना शुरू किया और वो किसी प्रकार तैरना सीख गया, हो सकता है उसे तैरना पहले से आता हो सकता है उसने उन्हीं कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए
उन लहरों का सामना करते हुए तैरना सीखा। जब वो निकल आया तो उसके अंदर कितना आनंद होगा, एक हर्ष की लहर होगी, क्योंकि कठिनाई बहुत बड़ी थी, जान का खतरा आ गया था, लेकिन उसने प्रगति कर ली। ऐसे साहस जब होते हैं तो वो हमेशा प्रेरणादायी होते हैं। फिर उस व्यक्ति के अंदर एक लौ जल उठती है अभीप्सा की, कड़ी से कड़ी चुनौती की तरफ जाने की, और वो साहसी बनता जाता है। ऐसे ही चाहे आप आग की लपटों में घिर जाएं, कहीं आपका पैर फिसल जाए, आप गिरने लगें, कभी आपातकालीन अवस्था में अगर आपको हवाई जहाज़ से छलांग लगानी पड़े, आप पहली बार पैराशूट के साथ उतर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये प्रकृति प्रदत्त हमारे अंदर एक अनुभूति होती है, एक इच्छा होती है अपनी प्राण को बचाने का। प्राणों का भय कई बार हमें साहसी बना देता है। श्री माँ कहती हैं इस साहस का भी बहुत महत्व है, यह भी सराहनीय है, लेकिन ये साहस जो है वो किस लिए है? वो आत्मरक्षा के लिए। क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं, अपनी रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग साहस का प्रयोग करते हैं दूसरों को बचाने के लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी को कष्ट में देखकर, चाहे आपका उससे परिचय हो या ना हो, आप उसकी सहायता के लिए कूद पड़ते हैं, उस समय आप अपने ऊपर आने वाले खतरों की परवाह नहीं करते। ये और ऊंचा साहस है, उच्च स्तरीय साहस हम इसको कहेंगे, जो कि जानते हुए भी कि खतरा हो सकता है, वो उस चुनौती में, उस संघर्ष में कूद पड़ता है। श्री माँ माधव और मालती की कहानी का जिक्र करती हैं इस बारे में कि माधव चुपचाप मंदिर के पास बाहर बैठा हुआ था। माधव ने अचानक किसी का आर्तनाद सुना, उसको किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई थी। वह उठा और उसने मंदिर के अंदर झांका, देखा पुजारिन और पुजारी एक लड़की को बैठाए हुए हैं, जिसको नहला धुला के सजा के तैयार किया गया है बलि देने के लिए। और जैसे ही पुजारी अपने हाथ का शस्त्र उस लड़की को मारने के लिए उठाता है, माधव बिना कुछ सोचे कूद पड़ता है मंदिर के अंदर। बाद में वो देखता है कि वह तो उसी की प्रेयसी मालती थी, जो मन ही मन उसे याद कर रही थी, हे माधव मेरी रक्षा करो। मालती को बचा लिया गया, माधव ने अपने साहस का प्रदर्शन किया। ये साहस आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक दुखियारी लड़की को बचाने के लिए था, और उसका फल उसे वही मिलता है क्योंकि वो लड़की खुद उसकी प्रेमिका थी। पर जब वह उस संघर्ष में, इस खतरे में कूदा था, तब उसे ये नहीं पता था दूसरों की रक्षा के लिए किया जाने वाला साहस आत्मरक्षा से थोड़ा तो ऊपर होगा ही ना। अब हमें ये देखना है कि साहस का अभाव हमारे अंदर क्यों आता है, क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर साहस है। क्योंकि हमें निरंतर प्रयास की आदत नहीं होती। अक्सर हम थोड़ा प्रयास करते हैं, असफल होते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक हाथी की कथा याद आई। एक आदमी जा रहा था, उसने देखा एक विशाल हाथी एक मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ था। हम सभी जानते हैं हाथी में कितनी ताकत है। वह आदमी उसे देखकर चौंका। अचानक उसके मन में प्रश्न उठा कि एक मामूली सी रस्सी है और इससे ये हाथी क्यों बंदी बना हुआ है? ये तो चाहे एक झटके में रस्सी को तोड़ देगा, ये तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। वो महावत के पास पहुंचा। उसने महावत से कहा, एक बात बताओ, इतने बड़े हाथी को
तुम इस मामूली सी रस्सी से बांध के रखते हो, ये तो कभी भी छुड़ा के भाग सकता है। वो कहता है पिछले 10 सालों से ये मेरे पास है। उस व्यक्ति को और आश्चर्य हुआ, उसने कहा मगर क्यों, ये क्यों नहीं छुड़ाता, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बंदी बनना किसे पसंद है। महावत ने उसे बताया असल में इस हाथी को जब मैं लाया था तो ये बहुत छोटा सा बच्चा था, उस समय ये शरारत न करे इसलिए मैं इसे रस्सी से बांध देता था और ये बहुत कोशिश करता था रस्सी तोड़ने की। इसने बहुत प्रयास किया लेकिन रस्सी को नहीं तोड़ पाया। बस तभी से इसके अंदर यह बात बैठ गई है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, ये बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकेगा लेकिन इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। तो कई बार हम बंदी बन जाते हैं, असफल रहते हैं, चुनौतियों को छोड़ देते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं करते क्योंकि हमारे मन में यह बात बैठ चुकी रहती है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम अपने साहस को पुनः पुनः नहीं आजमाते। यहाँ पे निश्चित रूप से मनोविज्ञान है, मन के बल की कमी है। तो हमारा मनोबल, हमारा शारीरिक बल, हमारा प्राणिक बल हमें मिलकर अगर साहसी बनाता है तो हम बड़े से बड़े पर्वत पार कर सकते हैं। प्रगति धीमी हो सकती है, पतन बार बार हो सकते हैं, परंतु यदि साहसपूर्ण संकल्प बनाए रखा जाए तो यह निश्चित है कि हम एक दिन विजयी होंगे और यह देखेंगे कि सभी कठिनाइयां सत्य की जाज्वल्यमान चेतना के सामने गल गईं या विलीन हो गईं। नैतिक साहस किसी भी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उस साहस के सामने एक तरह से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का कल्याण होता है। तो निश्चित है कि यह साहस और ऊंचे स्तर का, एक ऊंची श्रेणी का साहस है। श्रीमा कहती हैं इज़राइल का नेता मूसा, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम इस श्रेणी के साहसिक व्यक्तियों में गिन सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अद्भुत रूप से पूरे मानव समाज को एक अनोखा मार्ग दिखाया था प्रगति का, ईश्वर की प्राप्ति का या जीवन का लक्ष्य पाने का। उनके रास्ते में कितनी कठिनाइयां आई होंगी लेकिन वे भयभीत नहीं हुए। इस भयभीत न होने के पीछे कौन सा साहस था? एक लक्ष्य प्राप्ति की दृढ़ता का साहस। लेकिन इन सबसे ऊपर जो साहस होता है, श्रीमा कहती हैं तुम्हें मानसिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, इन तीनों को प्राप्त करना है, अपनी इन तीनों सत्ताओं को प्रशिक्षित करना है ताकि ये चैत्य से जुड़ सकें और ये समन्वित रूप से चैत्य से जुड़कर जब अपना साहस तुम्हें आगे बढ़ाने में प्रयुक्त करने देते हैं तो ये सच्चे यंत्र बनते हैं ईश्वर के। तो ये सच्चे यंत्र बनते हैं लक्ष्य प्राप्ति के। इसलिए मानसिक, प्राणिक और शारीरिक स्तर पर चैत्य के निर्देशन के अधीन रहकर जब हम कोई साहसपूर्ण काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से आत्मिक विकास का साहस बन जाता है। और उस रास्ते पर जाने के लिए हमें जिन शत्रुओं का सामना करना पड़ता है हम जानते हैं वो क्या है। जैसे ही हम ईश्वर के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं विरोधी शक्तियों को वो रास नहीं आता, वे तरह तरह के अड़ंगे डालना शुरू करते हैं, हमारे सामने चुनौतियां लाने लगती हैं और हमें उनसे बचना होता है। ये चुनौतियां बड़े ही लुभावने रूप लेकर आती हैं। वे जीवन के सामान्य निम्न स्तरीय प्राणिक भावनाओं, प्राणिक इच्छाओं, मानसिक तर्कों के माध्यम से हमें रास्ते से भटकाना चाहती हैं। सच्चा साहस उस समय काम आता है और वो साहस तभी काम आ सकता है जब हम अपने को
चैत्य से जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि चैत्य परम सत्ता से, परम शक्ति से जुड़ा होता है। और परम शक्ति से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमें भय छू नहीं सकता, कोई संदेह छू नहीं सकता। आस्था का बल हमें अपने रास्ते पर बड़े आराम से आगे ले जाता है। कहते हैं एक संत थे जो अंधे थे, लेकिन वो रोज अपनी दिनचर्या में पहाड़ चढ़ते थे, उतरते थे, जो ऐसे पहाड़ जो बड़ी बड़ी खाइयों के निकट से जा रहे हैं। एक बार उनका शिष्य उनके साथ जा रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव आप नेत्रहीन होते हुए भी इन चट्टानों पर निर्भीकता से चले जा रहे हैं, क्या आपको भय नहीं लगता? कहीं आपका पैर जरा सा गलत पड़ा तो आप तो खाई में चले जाएंगे। संत मुस्कुरा कर बोले, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा, आप कैसे कह सकते हैं, इतने विश्वास से आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम मुझे धक्का दे दो, मुझे फेंक दो इस खाई में। शिष्य तो घबरा गया। उसने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं भला क्यों करूँगा? उन्होंने कहा, करो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य बड़े पशुपेश में था। भले आप मुझे कहें कि मैंने आपकी अवमानना की, पर मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपको खाई में नहीं फेंक सकता। संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तू मेरा एक शिष्य है, कुछ ही दिन हुए हैं तुझे मेरे साथ आते, और तू मुझे मेरे आदेश के बावजूद खाई में नहीं फेंक सकता। तो वो जो मेरा ईश्वर है, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे सब कुछ दिया, जिसने मेरा पालन पोषण किया, नेत्रहीन होते हुए भी इतनी आयु मैं आराम से बिता सका, वो भला मुझे गिरने देगा? सच तो है, उस ईश्वर के ऊपर अगर हम निर्भर कर जाते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था को बनाए रखते हैं, विश्वास को बनाते हैं, समर्पण करते हैं, तो भला हमें भय किसका? और ये तो सच है कि भय का कारण सिर्फ अहम है। जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने को ईश्वर से अलग कर लेते हैं, तभी तो नुकसान होगा। वरना तो जो भी है वह अच्छा ही है। अगर हम ईश्वर का सब कुछ है ये विश्वास पाल कर चलते हैं, जो होता है ईश्वर ही करता है ये मान कर चलते हैं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ये भी स्वीकार करते हैं, तो भय होता ही नहीं। और भय जब नहीं होता वहीं तो साहस होता है। जहाँ अज्ञान नहीं होता वहीं तो ज्ञान होता है। हम आज सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम भय को नहीं लाना चाहते। हम कहेंगे, जहाँ साहस है वहाँ और कुछ नहीं, और साहस होता है जहाँ पर आस्था होती है। तो अगर हमको आत्मिक विकास के पथ पर चलना है तो साहस हमारे साथ एक अनिवार्य साथी होता है। साहस का गुण हमारे अंदर रहता है और हमें सचेतन रूप से, जागरूक रूप से उसको महसूस करना है, उसको भी विकसित करना है। श्रीमा के प्रतीक चिन्ह के दिए गुणों में से एक ये गुण भी है, और हम जानते हैं उन 12 गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करना, आत्मसात करना, उन्हें बनाए रखना और निरंतर उन्हें विकसित करना, ये हमारे लिए वह आधार स्तंभ होगा जिससे कि हम अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सफल हो जाएंगे। तो साहस के साथ हमें इस जीवन की आने वाली हर परिस्थिति का सामना करना है। इसीलिए श्रीमान ने कहा है, सच्चा साहस वह है जहाँ पर भय अपने किसी रूप में उपस्थित नहीं है, या भय के किसी भी रूप की पूर्ण अनुपस्थिति ही तो साहस है। और जब हम ऐसे रास्ते पर चलते हैं, जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं,
तो हमारा अहम, हमारे संदेह हमारे बहुत बड़े शत्रु बनकर आ जाते हैं। हमारी कमजोरियां भौतिक रूप से, मानसिक रूप से या प्राणिक स्तर पर हमारे रास्ते में आ जाती हैं, जिनसे हमें निकलना बड़ा दुष्कर लगता है। इसलिए बहुत बड़ा साहस वहाँ चाहिए जहाँ पर हमारी अपनी ये कमजोरियाँ रास्ते की बाधा बनकर आ जाती हैं। सबसे बड़ा साहस उसे ही माना जाता है जहाँ हम अपनी कमजोरियों पर विजय पाते हैं। आ गई ना वही पंक्ति, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। अपने को जय करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन पर काम करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना, बल्कि कहना चाहिए अपनी हर भूल को स्वीकार कर लेना, ये जानते हुए भी कि उस स्वीकृति के परिणाम स्वरूप हमारे लिए कोई भी परिस्थिति आ सकती है, उसका परिणाम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी कोई ऐसी गलती मानना जिसका परिणाम भयानक दंड हो सकता है, लेकिन अगर हमने वो साहस कर लिया तो हम उस भूल के बाद की होने वाली भूलों से अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो साहस हमेशा रक्षा के लिए होता है, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। एक गलती करना, एक झूठ को स्वीकार कर लेना, उसके बाद के होने वाले झूठों से हमें बचा लेता है। पहली गलती को छुपाने के परिणाम स्वरूप होने वाली अन्य गलतियों से हमें बचा लेता है। तो साहस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम आत्मिक विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, तो हमारा साहस गहराई की तरफ जाता है। सिर्फ मांसपेशियों का बल हमारे काम नहीं आएगा, मानसिक बल चाहिए, प्राणिक बल, प्राणिक पवित्रता चाहिए, क्योंकि साहस का विपरीत जो दुर्बलता का प्रतीक है वो है भय, और वो सबसे बड़ी अपवित्रता माना है श्रीमान ने। तो प्राणिक पवित्रता, मानसिक बल, शारीरिक बल और इन तीनों यंत्रों का चैत से जुड़ा होना, ताकि वह बल आत्मा से जुड़ जाए, ताकि वह साहस उसी जगह प्रयुक्त हो, उसी रूप में प्रयुक्त हो जो कि कल्याणकारी हो। वरना भौतिक रूप से होने वाली परिस्थितियों के साहस यद्यपि है महत्वपूर्ण, पर वह हमें वहीं पर रोक लेते हैं। जैसे एक बच्चे ने श्रीमा से कहा था कि मेरी कक्षा के बच्चे मुझे तंग करते हैं, वे मुझे चिढ़ाते हैं, वे मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मेरा मन होता है कि उन्हें एक घूंसा लगा दूं। बड़ा आसान होता है ऐसी प्रतिक्रियाएं करना, लेकिन श्रीमा ने उससे पूछा, क्या तुम बहादुर बच्चे हो? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, बहादुर बच्चे सरल काम करते हैं या कठिन काम? बच्चे ने कहा कठिन काम। श्रीमा ने कहा, जब तुम्हें वो चिढ़ाते हैं तो तुम्हें उन्हें घूंसा मार देना ज़्यादा आसान लगता है या अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेना, उन्हें माफ कर देना? बच्चे ने कुछ सोचा और कहा, ऐसे में उन्हें माफ करना ज़्यादा कठिन लगता है। श्रीमा ने कहा, तुम बहादुर बच्चे हो, तुम्हें कठिन काम करना चाहिए। बच्चा चुप हो गया। यहाँ श्रीमा ने उसको माफ करने की, किसी को क्षमा करने की जो शक्ति होती है उससे परिचित कराया। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम मानसिक, शारीरिक और प्राणिक तीनों शक्तियों के साहस का परिचय देते हैं, इनके समन्वित साहस का परिचय देते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना, परिस्थितियों का सामना बिना डरे, बिना किसी कंपन के, बिना घबराए
एक आस्था के साथ कि ईश्वर का सहयोग, ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, अगर हम उसका सामना करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में साहसी हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर की आस्था से भरा हुआ व्यक्ति, निरंतर ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यासी व्यक्ति उनसे नहीं घबराता। उसे ईश्वर का स्मरण हो आता है, उसकी आस्था कहती है कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, और वो भय नहीं पाता, और ऐसे में वह साहस पूर्वक उस परिस्थिति का सामना करता है। श्री माँ कहती हैं, मेरे बच्चों उठो और साहसी बन जाओ। जितने साहसिक चरित्र तुमने इतिहास में देखे हैं, जितने प्रेरक व्यक्तित्वों से तुम परिचित हुए हो, उनसे प्रेरणा लो, ईश्वर को अपना मानो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर की कृपा पर विश्वास करो और साहसी बन जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ, ये विश्वास रखना कि मेरा ईश्वर, मेरा खुदा बड़ा है आने वाली किसी भी कठिनाई से, किसी भी मुश्किल से। तो साहस हमें हमेशा प्राप्त होता है, और अपने इस साहस का हमेशा स्मरण रखें। धन्यवाद।